अमित का अमरुख जो रेडिसन होटल के ठीक बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पहुंच चुके हैं विरोध करते हुए। यहां पर आप देखिए टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं, इनकी नाराजगी है कि बाढ़ से पीड़ित है ये पूरा जो इलाका है, बाढ़ से पीड़ित है और यहां पर जो है लोग मुख्यमंत्री है, इन लोग की सेवा कर रहे हैं। आप लोग यहाँ क्या डिमांड कर रहे हो, क्या डिमांड है आप लोग का? अच्छा सर बात करेंगे, उनसे बात करते हैं कि ये लोग आप क्या क्या यहाँ डिमांड क्या है? हमारा सर जी बोल रहे हैं, सर जी का बात सुनिए, आपको बता दो तो अभी इसीलिए ये जो यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा है ये बंद करो, बंद करके हम लोग का यहाँ जो बाढ़ हो रहा है इस बाढ़ के लिए हम लोग को सहायता दो, सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैसा भी नहीं। देखिए ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बाढ़ है, असम में जबरदस्त बाढ़ है और यहाँ पर जो है सरकार जो है असम की सरकार यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग करने में लगी है। इस तरह से करके जो तमाम तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है ये रेडिसन होटल में पहुंचे हैं और ये इनका विरोध प्रदर्शन करने आए हैं कि कैसे जो विधायकों को यहाँ पे लाया जा रहा है, जो यहाँ पर विधायकों को रखा गया है उसका विरोध करना कर रहे हैं कि ऐसे वक्त पर जब पूरे इस इलाके में असम के कई बड़ा जो हिस्सा है वो बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है, लोग परेशान हैं, तो ऐसे में ये जो चीज़ें हो रही है हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीज़ें हो रही है उसको क्यों किया जा रहा है? तो इसको लेकर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक जो समर्थक हैं वो यहाँ पर झंडा और उसके साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और होटल के ठीक बाहर में मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, ये देखिए ये होटल के ठीक बाहर का इलाका है जो गेट है सामने, हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है जो एक एक करके इनको हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो तृणमूल है उनके समर्थक आकर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों को जमा किया जा रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति को यहाँ से चलाने की कोशिश हो रही है उसको लेकर अपनी नाराजगी जताने की कोशिश है और इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनको मदद की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। देखिए अमित वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल क्योंकि असम की जो स्थिति है इस वक्त किसी से छुपी नहीं है, वहां पर 32 जिले सीधे सीधे बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे में कई लोग जिनके घर इस बाढ़ में डूब चुके हैं वो परेशान है। लेकिन देखिए सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ता होटल के बाहर पहुंचे हैं, ये वो होटल जहां पर इस वक्त विधायक ठहरे हुए हैं किस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ, और जैसे ही उनको ये खबर हुई टीएमसी के कार्यकर्ता उस होटल के बाहर विरोध करने पहुंच गए। दरअसल उनका कहना है कि यहाँ पर एक तरफ हम देख रहे हैं असम में किस तरीके के हालात है लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर विधायकों को रुकाया जा रहा है, जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है असम में और ये ठीक नहीं है, इसीलिए झंडे लेकर टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं। अमित भी लगातार वहां से एक एक तस्वीर हम तक दिखा रहे हैं और अमित जरा ये बताएं क्योंकि बाढ़ से जो हालात इस वक्त असम में उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरीके से पहुंच They are just protesting in front of the gate. You can see on the screen, Ripun Bora joined by the Trinamool leadership in Assam. He is now protesting. जी हाँ, देखिए आप यहाँ पर देखिए तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि बाढ़ से पीड़ित पूरा जो असम का इलाका है वहाँ पर लोगों को मदद की जरूरत है और ऐसे में यहाँ पर लोग जो है वो उस तरह से मदद नहीं मिल रही है। हम देखिए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर ये पूरा यहाँ पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं, देखिए ये तमाम लोग हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि ये वक्त जो है यहाँ के असम के जो लोग हैं यहाँ पे ठीक सामने में धरना पर बैठ गए हैं, कुछ लोग वो धरना पर बैठ गए हैं सामने में और उनका कहना है कि ये वक्त सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जो यहाँ पर बाढ़ से परेशान लोग हैं उनकी मदद करने की जरूरत है या कुछ महिलाएं हैं। आप मैम क्या यहाँ पर क्या मांग लेके आए हो आप? देखिए ये बात नहीं कर रही है ताकि इनके जो नेता है क्योंकि यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है वो यहाँ बात करने के लिए आए हुए हैं, वो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तमाम लोग जो है ममता बनर्जी की फोटो लेकर यहाँ पर सामने ममता की तस्वीर लिए हाथ में खड़े हैं और तृणमूल का झंडा लेकर सामने झंडा लेकर विरोध कर रहे हैं सरकार का, असम सरकार का, कि यहाँ पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला चल रहा है तो इसको लेकर इनका विरोध प्रदर्शन है। देखिए
यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि कितनी नाराजगी है यहाँ पर, कि ऐसे वक्त में सबको साथ रहना चाहिए, सरकार जो है वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। अच्छा। तो यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। सर अपन बगीचे पर आइए आगे में, ये क्या आप लोग यहाँ क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? ये अभी जो हम लोग का इधर में बांध पानी हो रहा है ना, तो जो इधर में जो बाढ़ है, बाढ़ में आदमी लोग जो मर रहा है, और दूसरा देश से आदमी लोग का शिवसेना का लेके बीजेपी लोग जो इधर में रख रहा है ना, वो अच्छा बात नहीं है। इधर में आदमी का 46 लाख का ऊपर आदमी मर रहा है, उसमें कोई कंसर्न नहीं है बीजेपी का। यहाँ विधायक